इधर है ना, आप गाइस देख सकते हैं कि यहाँ पे ना कुछ तो भी है ना, पाइपलाइन का काम चालू है। तो आपने देखा होगा वो बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर थे दोनों तरफ, उनको भी तोड़ दिया है और काफी लंबी पाइपलाइन है। ये देखो आप, अब देखते चलो, देखते हैं कि कहाँ तक चलती है पाइपलाइन। बहुत बड़ी पाइपलाइन है यार। हम थोड़ा इस तरफ से चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी पाइपलाइन है। चौराहे तक चली जाएगी यार, ऐसा लग रहा है। वैसे एक बात तो है गाइस, इंदौर में ना काम तो चलते ही रहता, कुछ ना कुछ मतलब डेवलपमेंट में कोई कमी नहीं है बिल्कुल भी। बस जो प्रॉपर्टी के रेट है वो काफी फास्ट है ना चेंज हो रहे हैं यार, मतलब बढ़ रहा है। अब ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। ये देखिए इधर कितने सारे पाइप सभी भी रखे हुए हैं, वो लगातार ये ना पाइप जो लाइन पाइपलाइन जो है ये चली जा रही है। मेरे हिसाब से तो किलोमीटरों में होगी यार ये पाइपलाइन गाइस। हमको ही देखो ना कितना हो गया होगा समय चलते चलते, और ये पाइपलाइन जो है ना यहाँ पे खत्म हो जाती है। देखिए ये मेरे हिसाब से ये चौराहा आएगा ना, अब इधर यहाँ पे कहाँ रखूंगे पाइप, इसलिए उन्होंने पाइपलाइन खत्म कर दी। सो हाय गाइस, आप सब कैसे हैं। तो आज का मोटो ब्लॉग अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभी पता नहीं क्या हुआ, मैं ना पिछले ना 2-3 मिनट से ट्राई कर रहा था गाड़ी स्टार्ट करने की, पर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है। दिक्कत इन दी सेंस चलने में ये नहीं है, पर स्टार्ट होने में बार बार कुछ तो भी है ना गड़बड़ हो रही है। तो मन को ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है इसके कार्बोरेटर में कचरा फंस गया या कुछ हो गया होगा। तो कोई नहीं, हमको टाइम मिलता है तो जाएंगे हम गैराज पे। ऐसे मेरे हिसाब से 15-20-25 मिनट का काम होगा, उससे ज़्यादा होगा नहीं, पर दिखा लाएंगे कि ऐसा नहीं हो कि बाद में हमको थोड़ा लंबा तकलीफ हो और गाड़ी बाद में स्टार्ट ही नहीं हो। तो कोई नहीं, तो गाइस अभी आपसे मिलते हैं, तो आप बने रहिएगा। वैसे ना मेरे को एक चीज शेयर करनी थी, मैं कल शेयर करने वाला था, पर क्या हो गया कि कल इतना ट्रैफिक था ना तो चक्कर में वो भूल ही गया। मैंने कहा चलो यार बाद में देखते हैं। तो चीज वो थी कि है ना, हम जो अभी आजकल पैकेजेस बना रहे हैं ना गाइस, इतने कॉस्टली हो रहे हैं ना, लिटरली एयरलाइंस के रेट इतने बढ़ गए हैं। इवन अभी मैं श्रीनगर का पैकेज बना रहा था, श्रीनगर पहलगाम गुलमर्ग, और श्रीनगर में तो आजकल क्या है 3 नाइट तो चाहिए, क्योंकि 1 नाइट तो आपको हाउस बोट में ही लगता है। तो काफ़ी कॉस्टली पैकेजेस बन रहे, तो पैकेज से ज़्यादा तो फ्लाइट है यार। मतलब आप ये समझ लो 30-30 हज़ार की तो फ्लाइट ही पड़ रही है आने जाने की पर पर्सन। तो आप समझ सकते हो क्या पैसा लग रहा है यार। चलो कोई नहीं, अब श्रीनगर की खूबसूरती भी ऐसी ही है, और बाकी आप जानते ही कि अभी G20 समिट आने वाली है तो काफ़ी डेवलपमेंट पे भी है श्रीनगर। वैसे भी डेवलपमेंट पे था ही सही और आगे भी रहेगा। अभी चलो सिग्नल पे वेट करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। ये देखो गाइस, उस तरफ ग्रीन सिग्नल और इधर अपना ये एक्चुअली है ना बहुत गलत है यार। ये है ना बड़े बड़े ट्रेवल्स की बसें है ना इधर खड़ी हो जाती है ना, इतना लंबा ट्रैफिक जाम लग जाता है ना लिटरली यार। मतलब हंस की हो, अशोक की हो, देखो सब बसें खड़ी थी। अब ये कितनी जगह घेर लेते हैं, बहुत लंबा जाम था यार। मतलब सिग्नल पे जाम तो क्या बोल सकते, बहुत लंबी वेटिंग लाइन थी यार पीछे। आप ये समझ लो वहाँ के सिग्नल से लेकर ऑलमोस्ट पीछे के सिग्नल से थोड़ा सा आगे ही था। अब मैं जैसे तैसे करके इधर बीच बीच में से निकाली यार गाड़ी, अब क्या करे। और बाकी ये देखो, ये है ना ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है गाइस, इन लोगों को है ना ये सिटी में एंट्री दो ना, ये देखो कैसा जाम लगने लग जाता है बड़ी बसों के कारण। इनके ना वो ये कि क्या टाइम हुआ है, मेरे को भी एग्जैक्टली पता नहीं कि इनके टाइमिंग्स भी रहते हैं शायद कि इस समय से इस समय के बीच में ये आ सकते हैं। बाकी मॉर्निंग 6 के बाद मेरे को नहीं लगता है कि इनको एंट्री देना चाहिए। चलो कोई नहीं, अभी हम चलते हैं। और बाकी ये देखो,
यहाँ पे ना कुछ तो भी यार, मेरे को एक चीज देखनी तो थी यार, पर पता नहीं यार वो शायद पीछे चली गई है। चलो कोई नहीं, बाद में देखेंगे, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, समझ लेंगे बाद में, कोई ऐसी ये नहीं है। ऐसे जब आप देखते हो ना कहीं दवा बाज़ार में जाओगे तो ये तो ठीक है बार बार के, पर अगर आप शॉपकीपर हो B2B बिजनेस से आपका, तो अंदर ही है मेनली जो शॉप से अंदर की तरफ मार्केट, बाकी कोई सेंस नहीं निकलता गाइस। धंधा अगर ये करना है, रोज का सेल तगड़ा होना चाहिए तो ही मतलब है, क्योंकि मार्जिन कम हो गया है इसमें, डिस्काउंट का कंसेप्ट आ गया है ना, इसलिए इस चक्कर में। मेरे को तो पता है, मेरी भी थी मेडिकल, तो मुझे अच्छी हुई कि हमको ये सिग्नल चालू मिल गया था, तो उतना टाइम भी बच गया हमारा। बाकी भाई ये अब देखो, गाड़ियाँ तो बहुत है, थोड़े से मेरे को है ना 5-7 मिनट लेट हो जाएगा ऑफिस पे, बाकी ज़्यादा तो नहीं, बाकी इधर वेट करेंगे हम। अभी सिग्नल राइट का भी गया हुआ है, मेरे हिसाब से अब सामने की लाइन खुलेगी, टाइम तो लगेगा उसमें, पर कोई नहीं, वेट करते हैं। मेरे है ना दिमाग में एकदम से एक चीज आई, और मैं सोच रहा था कि अपने हेलमेट में ना वेंट्स होने चाहिए, वेंट्स इन दी से इसकी हवा निकलने की ना जगह होना चाहिए, ताकि है ना आपको जो सफोकेशन होता है ना वो नहीं हो। अब जैसे गाड़ी चल रही है तो हवा चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, पर आप रुक गए हो ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है यार, हालत खराब हो जाती है इतनी देर में, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता यार। चलो कोई नहीं, इसका भी काम कराना है हमारे हॉर्न वाले बटन का, देखेंगे। चलो जिस दिन ना इसको ले जाएंगे ना गैरेज पे, इसका भी काम करवा दूंगा मैं। तो अभी हमारे ऑफिस पे पहुंचते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली अब गाइस आपसे शाम को ही मिलेंगे, तो आप बने रहिएगा। टाटा, मिलते हैं अब शाम को। तो अभी हम निकल गए हैं हमारे ऑफिस से, और आप देख सकते हैं जो जाम है, मतलब ट्रैफिक है, यही से हमको मिलना चालू हो गया है आज तो, और ज़्यादा ट्रैफिक मिलने वाला है गाइस। और एक्चुअली क्या हुआ कि मैं निकल ही गया था ऑफिस से, तो सर का वापस से कॉल आया था, हमारे जो स्टाफ है उसको, जो प्यून बॉय है रखा हुआ, तो उसको रुकने के लिए बोला था। तो मैं भी, मेरे को लगा कि मेरे को भी बोला है, पर मेरे को बोल दिया था कि तुम चले जाओ, तो मैंने कहा ठीक है, उसको और ऑलमोस्ट आधा पौना घंटा रुकना है, तो मेरे हिसाब से वो तो 9 बजे ही निकल पाएगा अब, और मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता। हाँ, पर ये है कि अगर रुकना का बोलते तो रुकना ही पड़ता, बाकी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है यार, यहाँ पे इतना ट्रैफिक क्यों हो गया मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है। अब देखो गाइस कितना ज़्यादा है, ये देखो। और अभी चलो कोई नहीं, अभी निकलते हैं यहाँ से यार, बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला लगता है हमको यहाँ पे। और एक्चुअली मेरे को राइट से जाना था, पर ट्रैफिक है ना, हमको हमारे इधर से ही मिलना चालू हो गया, तो मैं उस तरफ जा ही नहीं पाया उस चक्कर में। कोई नहीं, अभी देखते हैं अगर उस रोड पे अगर जा पाते हैं क्या, पर मेरे को तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। ये हमारा सिग्नल चालू होने से पहले ही बंद हो गया, एक्चुअली ट्रैफिक इतना ज़्यादा ना, तो गाड़ियों को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसके चक्कर में हमको वापस से है ना रुकना पड़ेगा, और मुश्किल लगता है कि मैं नेक्स्ट सिग्नल में भी निकल पाऊँगा। पर ये है कि अब मैं थोड़ा है ना राइट हैंड साइड पे आ गया हूँ, तो कोशिश करूँगा कि मैं इस तरफ मुड़ जाऊँ और इस तरफ घुस जाए अपन फटाफट यहाँ पे। तो आ गए हम इस तरफ, तो हमारा तो काम हो गया गाइस, अब थोड़ा सा गाड़ियों के बीच में से निकालना पड़ रहा है, अब क्या करें। और ऑलमोस्ट अभी 45 सेकंड बचे हैं, तो अभी रुकते हैं, और ऑलमोस्ट मेरे को लगता है कि हम शायद निकल जाएंगे, देखते, होप फॉर द बेस्ट।